सभी को राधा स्वामी सिटी मैम में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रीति चंद्रा एक बार फिर हाजिर हूँ आज के अनमोल विचार के साथ। ये महत्वपूर्ण अंश आरएसएस भी चैनल से ले गए। पूरे वीडियो को देखने के लिए लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो देखिए बाबा जी ने क्या उत्तर दिया। बक्सन बक्स लो बाबा जी, मेरा पहला क्वेश्चन है, मन परमार्थ का दुश्मन क्यों है? नहीं बेटा, मन देखो, हजूर फरमाया करते थे कि मन आपके काबू में है ना, तो इससे बेहतर दोस्त नहीं हो सकता। मन आपके काबू में नहीं है, इससे बेहतर दुश्मन भी नहीं हो सकता बेटा। सो मन प्रभावित हो जाता है, तो प्रभाव किसने डाले हैं? हम ही डाले हैं। तो मन की जो असल अवस्था है वो तो ऐसी नहीं थी, वो तो हमने बना दी है ना। तो आप कहते हैं जन्म जन्म की इस मन पे मन लागी काला होया स्या, ये जन्म जन्मों की मैल इसने इकट्ठी कर ली, मगर इसकी सच्ची अवस्था कौन सी है? तो आप कहते हैं मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। तो ये मौका दिया है पहचानने के लिए, वो उसकी असल अवस्था नहीं है, वो तो हमने बना दी है। और अगर हम अपनी तरफ से भक्ति पे चलेंगे, रूहानियत को अपनाएंगे, अपने आप हमें उसे उसकी सही अवस्था का एहसास हो जाएगा बेटा। बाबा जी दूसरा क्वेश्चन ये है मेरा कि जब भी भजन सेवन में बैठने की कोशिश करते हैं 15-20 मिनट बाद में कभी पैन में दर्द होता है, तो कभी सांसारिक बातें याद आती है। मन का बहकावा है बेटा, मन आपको उठाना चाहता है, आप उस मन की चाल में आ जाते हो। आप कहो मैंने तो वक्त पूरा देना है, और आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदत पड़ जाएगी, आप वक्त भी दे सकेंगे बेटा। राष्ट्रीय बाबा जी मेरे परिवार पे और मेरे अपनों पे दया करना, मेहर करना। स्वामी सत्संग व्यास से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आने पर अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर भी करें।